मीनू चिड़िया का घोंसला पूरे जंगल के एक सबसे ऊंचे दरख्त की डाल पर बना हुआ था। मीनू चिड़िया उस दरख्त पर अपने घोंसले में काफी ज्यादा खुशी खुशी रहती थी। मीनू चिड़िया का पति सोनू चिड़ा भी मीनू चिड़िया के साथ रहता था। मीनू चिड़िया ने अपने घोंसले में अभी कुछ अंडे भी दिए हुए थे। दूसरी तरफ कालू कौवा और प्रिया कौवी का घर घने जंगल में जमीन पर बना हुआ था। कालू कौवा और प्रिया कौवी भी अपने घर में काफी ज्यादा खुश थे। जंगल में आज रात होते ही कालू कौवा और प्रिया कौवी अपने घर में आराम से बैठे होते हैं, तभी अचानक से उनके घर में एक बड़ा सा सांप घुस जाता है। अरे बाप रे बाप, प्रिया कौवी जरा देखो तो, कितना बड़ा सांप है ये सांप भला हमारे घर में कैसे घुस गया है? प्रिया कौवी, मुझे तो इस सांप को देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं ये सांप हमें काट ना ले। हाँ कैलू, तुम सही कह रहे हो, कहीं ये सांप हमें काट लेगा तो हम तो सोते ही रह जाएंगे, फिर हम उठ भी नहीं पाएंगे कभी। नहीं नहीं कालू कौवे और प्रिया कौवी, तुम दोनों डरो मत, मैं जब किसी भी पक्षी को काटता हूँ तो उसे इतना ज्यादा दर्द नहीं देता हूँ, उसे मैं आराम से मौत की नींद सुला देता हूँ। अरे पर सांप, तुम्हें हमें अभी मौत की नींद क्यों सुलाना है आखिर? हम नहीं सोना चाहते हैं इतना जल्दी, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं कालू कौवे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वैसे तो जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं पक्षियों के अंडे खाता हूँ, लेकिन यहाँ जमीन पर किसी भी पक्षी के घर पर अंडे नहीं बचे हैं, इसीलिए मुझे मजबूरन अब किसी बड़े पक्षी को ही खाना होगा। और यहाँ नीचे तुम्हारा घर बना हुआ था, इसीलिए मैं आसानी से तुम्हारे घर में आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा कालू कौवे। अरे नहीं नहीं भाई, ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, तुम हमें छोड़ दो सांप, तुम्हें अंडे ही चाहिए ना, मैं कुछ करके तुम्हें अंडे लाकर दे देता हूँ। कालू कौवे, मुझे पता है अंडे कहाँ पर हैं, अंडे मीनू चिड़िया के घोंसले में हैं, लेकिन मीनू चिड़िया का घोंसला बहुत ही ज्यादा ऊंचे दरख्त पर बना हुआ है, वहाँ तक मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा, मुझे अपने साथ उड़ाकर मीनू चिड़िया के घोंसले पर ले जाकर छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे घर में ही रहने लग जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारा ये घर भी छोड़ना पड़ जाएगा। नहीं नहीं सांप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने घर पर कब्जा करने नहीं दूंगा, तुम जो भी कहते हो मैं मान जाता हूँ तुम्हारी बात, मैं तुम्हें उड़ता हुआ मीनू चिड़िया के घोंसले पर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ लेकिन कालू, इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, अगर मीनू चिड़िया या सोनू चिड़े ने तुम्हें देख लिया कि तुम उनके घर में सांप छोड़ रहे हो तो फिर वो तो मिट्टू महाराज से तुम्हारी शिकायत कर देंगे, फिर मिट्टू महाराज तुम्हें बहुत बड़ी सजा दे सकते हैं। प्रिया कौवी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस तरह से तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा, मिट्टू महाराज तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अभी आधी रात होते ही जैसे ही मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने घोंसले में सो जाएंगे तो फिर मैं इस सांप को अपने साथ ले जाऊंगा और वहां पर दरख्त में छुपा दूंगा इस सांप को। देखो भाई सांप, तुम जाकर मीनू चिड़िया के दरख्त में छुप जाना, और मीनू चिड़िया के पास काफी ज्यादा अंडे हैं, रोजाना एक एक अंडा खाते रहना तुम और फिर छुप जाना। हाँ सांप, कहीं तुम जल्दी से ही सारे अंडे खा लो और तुम वापस से हमारे घर पर आ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना तुम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम कालू कौवे बस मुझे मीनू चिड़िया के घोंसले तक पहुँचा दो, फिर मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। देखो मीनू चिड़िया, इस ऊंचे दरख्त पर रहने के हमें फायदे तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। देखो तो जरा यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, और इस ठंड से कहीं हमारे अंडे ना खराब हो जाएं। हाँ सोनू चिड़े, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस ठंड की वजह से हमारे अंडे खराब हो सकते हैं, इसीलिए हम एक काम करते हैं, ये सारे अंडे ले जाकर कल अपने भाई के घर पर रखवा देते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी अभी तो रात हो गई है, आज एक रात और हम ऐसे गुजारा कर लेते हैं, फिर कल हम इन अंडों को तुम्हारे भाई के घर पर रखवा देंगे। फिर ऐसा सोचकर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा सो जाते हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद जंगल में आधी रात हो जाती है।
चलो भाई साहब, लगता है अब ऊपर जाने का वक्त आ ही गया है। अरे कालू कावे, क्या बातें कर रहे हो तुम ये? अगर तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे तो पहले मैं ही तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। अरे अरे सांप, ऊपर जाने से मेरा मतलब कि ऊपर मीनू चिड़िया के घोंसले में जाने का समय हो गया है। तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। अच्छा तो फिर चलो जल्दी से, मुझे मीनू चिड़िया के घोंसले पर ले जाकर छोड़ दो। बस फिर अब कालू कौवा उस सांप को लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ चला जाता है। चलो भाई सांप, अब मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया है, इससे के पहले ये लोग उठे मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब तुम आराम आराम से रोजाना एक एक अंडा खाते रहना इनका। हाँ हाँ ठीक है कालू कावे, अब जाओ यहाँ से, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, अंडा खाने दो मुझे। फिर अब कालू कावा उस सांप को वहाँ पर छोड़ कर वहाँ से चला जाता है। आहा, इतने सारे अंडे, रोजाना एक एक अंडा खाऊंगा, मेरे तो काफी ज्यादा दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। बस फिर यही सोचकर वे सांप मीनू चिड़िया का एक अंडा खा लेता है। अब अंडा खाने के बाद सांप उस दरख्त में ही एक जगह पर छुप जाता है। कालू, वैसे तुमने काफी ज्यादा गलत किया है मीनू चिड़िया के साथ, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब वे सांप देखना मीनू चिड़िया के सारे अंडे खा लेगा। हाँ हाँ प्रिया कवी, आराम से खाने दो सांप को अंडे, वे भला हमारे अंडे या हमें थोड़ी खा रहा है जो हम तकलीफ करें। फिर अब कालू कावा और प्रिया कवी भी अपने घर में सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होते ही जब मीनू चिड़िया अपने घोंसले में देखती है तो आज उसका एक अंडा कम होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जंगल में कुछ दिनों से हल्की हल्की सी बारिशें चल रही थी, जिस हल्की बारिश के कारण पक्षियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा था। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। बारिश के कारण मीनू चिड़िया एक कद्दू के बनाए हुए घर के अंदर एक पेड़ के ऊपर रहा करती थी। बारिश की वजह से मीनू चिड़िया और उसके बेटे मानो चिड़े का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि बारिश तो हल्की हल्की सी ही हो रही थी, जिसके कारण सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उस ही जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था। कालू कौवे का भी एक बेटा था जिसका नाम राजू कौवा था। कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवे के साथ अपने सेब के बने हुए घर में आराम से रहा करता था। राजू कौवा और मानो चिड़ा वे दोनों एक ही उम्र के थे, जिसके कारण जंगल में उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों रोजाना जंगल में खूब ज्यादा खेला करते थे। फिर एक दिन राजू कौवा और मानो चिड़ा जंगल में एक जगह पर बैठे होते हैं, तभी मानो चिड़ा राजू कौवे से कहने लगता है। अरे राजू कौवे, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम क्या पूरा दिन जंगल में इधर से उधर घूमते ही रहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता है, तुम पूरा दिन इधर से उधर जंगल में घूम के आखिर करते क्या हो? अरे अरे मानो चिड़े, तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अरे मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि तुम तो पूरा ही दिन जंगल में इधर से उधर घूमते रहते हो। देखो मैं भी तो स्कूल जाता हूँ, तुम मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं जाते हो? देखो वैसे भी तो हम दोनों हर वक्त खेलते ही रहते हैं जंगल में, और मैं तो कम से कम स्कूल चला जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं जाते हो, तुम क्या करोगे? अरे मानो चिड़े, मुझे कुछ भी नहीं पता। पता नहीं मेरे पिताजी आखिरकार मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। अरे तो राजू कवे, तो आज तुम जाकर अपने पिताजी से बात करो ना, अगर तुम उनसे बोलोगे तब वो देखना तुम्हें जरूर स्कूल लगा देंगे। फिर अब राजू कौवा अपने घर पर वापस आकर उदास बैठ जाता है। राजू कौवे का ये उदास चेहरा देखकर वे कालू कौवा राजू कौवे से कहने लगता है। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे राजू कौवे, तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे पिताजी, आज मुझे आपसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? मेरा दोस्त मानो चिड़ा भी स्कूल जाता है, और आज तो वो मेरा दोस्त मानो चिड़ा मुझे कह रहा था
कि मैं सारा दिन ही ऐसे ही जंगल में घूमता रहता हूँ, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। अरे बेटा राजू कौवे, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, गुजारा ही इतनी मुश्किल से होता है, मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकता हूँ। अरे पर मेरे दोस्त की माँ मीनू चिड़िया भी तो उसे स्कूल भेजती है, उसके भी तो हालात अच्छे नहीं है, फिर भी तो वो स्कूल जाता है ना। आप मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो आप, मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। अब जब तक आप मुझे स्कूल नहीं लगा दोगे मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और अगर आपने मुझे मारने की कोशिश करी तो मैं आपका ये घर छोड़कर भी चला जाऊंगा। अब राजू कौवे की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवे को तो मीनू चिड़िया और उसके बेटे मानो चिड़े पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये मीनू चिड़िया के बेटे ने मेरे बेटे के दिमाग में क्या बातें डाल दी हैं? आज ये मेरे सामने जुबान चला रहा है, मैं इस मीनू चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ूंगा, मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अभी जाता हूँ इसके घर पर और अभी इसको मजा चखाता हूँ। फिर अब वे कालू कौवा गुस्से में मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है। अरे अरे कालू कौवे क्या हुआ, सब खैरियत तो है, तुम यहाँ पर इतने गुस्से में क्यों आए हो? अरे मीनू चिड़िया तुम अभी बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम अभी कुछ भी मत बोलो, मुझे सिर्फ तुम्हारे बेटे से बात करनी है। जी जी बोलिए बोलिए कालू कौवे अंकल, आपको मुझसे क्या बात करनी है? अरे तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम आइंदा मेरे बेटे से बात मत करना, तुमने उसे क्या बोल दिया है? जब से वो स्कूल की जिद लगाए बैठा है तुमने उसे क्यों बोला कि वो स्कूल जाए? अगर तुम्हें इतना पढ़ने का शौक है तो खुद ही पढ़ो, मेरे बेटे को क्यों बिगाड़ रहे हो अपनी बातों से? तुम्हारी वजह से वो मुझसे जबान चला रहा है, और अब आंदा तुम मेरे बेटे से बिल्कुल भी बात मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे कैलू कव्वे तुम मेरे बेटे को क्या धमकियां दे रहे हो, उसने कौन सी गलत बात बोल दी है तुम्हारे बेटे को? तुम्हारा बेटा तो वैसे ही निकम्मा है, सारा दिन बाहर ही घूमता रहता है। बिल्कुल सही बोला है मेरे बेटे ने, पहले तुम अपने बेटे को स्कूल लगाओ, ना कि उसे सारा दिन बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया करो। और अच्छा होगा तुम अभी मेरे घर से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से निकाल दूंगी। फिर मीनू चिड़िया की ये सब बातें सुनकर तो कालू कौवे का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कालू कौवा अपने मन ही मन सोचने लगता है। और ये मीनू चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा बोल रही है, मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इसे यहाँ पर ही मार डालूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ ऐसा कुछ करूँगा तो बात बिगड़ भी सकती है। मैं एक काम करता हूँ, अभी अपने घर चला जाता हूँ, बाद में छुपकर मैं इस मीनू चिड़िया से जरूर बदला लूंगा। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया बस करो, तुमने मुझे बहुत बातें सुना ली हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम लोगों के मुंह लगने का। ऐसा कहकर वे कालू कौवा अपने घर चला जाता है। फिर अब एक दिन मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा जंगल में किसी काम से बड़े बाजार चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए बदला लेने का, आज ये मीनू चिड़िया और इसका बेटा बाहर गए हैं, अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। ये लोग आए इससे पहले मैं इनका ये कद्दू का घर दरख्त से नीचे गिराकर तोड़ देता हूँ, अगर इनके पास घर ही नहीं होगा तो फिर ये लोग कितना परेशान होंगे इस बारिश में, फिर देखना मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा फिर। बस फिर क्या था, अब वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के कद्दू का घर दरख्त से नीचे गिराकर उसे तोड़ देता है, और वे कालू कौवा अब यही समझ रहा होता है कि उसने मीनू चिड़िया से बदला ले लिया है, इसी कारण वे बहुत ज़्यादा खुश होता है और वे खुशी खुशी वापस अपने घर चला जाता है। फिर अब जब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर में वापस आते हैं तो वे अपने घर को टूटा हुआ देखकर तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया है, हम लोग तो अपना घर यहाँ पर सही छोड़ कर गए थे, ये हमारा घर किसने तोड़ दिया है? अरे माँ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, अब हम कहाँ रहेंगे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बारिश भी देखो कितनी हो रही है। फिर क्या था, मीनू चिड़िया भी अब बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन तभी मीनू चिड़िया सोचने लगती है, अरे क्यों ना मैं मिट्टू महाराज के पास जाऊं
और उनसे मदद मांगूं। वे मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर मैं उनको अपनी मुसीबत बताऊंगी तो वे मेरी इस मुसीबत का हल जरूर निकाल देंगे। वैसे भी वे तो हमारे जंगल के महाराज हैं। जंगल के पक्षियों का ध्यान रखना तो उनका फर्ज है। फिर मीनू चिड़िया अब यही सोचकर मिट्टू महाराज के पास उनके महल में आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम बारिश में यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? अरे मिट्टू महाराज, मैं आज बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा मीनू चिड़िया, मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? फिर अब वे मीनू चिड़िया तोते महाराज को सारी बात बताने लगती है। अरे मिट्टू महाराज, आज मैं और मेरा बेटा अपने घर से बड़े बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन जब हम वापस आए तो किसी पक्षी ने हमारा घर तोड़ दिया था। अब हमारे पास रहने को भी घर नहीं है, और आप तो जानते ही हैं इस बारिश में बिना घर के हम कैसे रह सकेंगे। इसीलिए तोते महाराज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे कुछ भी करके बस इस बारिश में रहने के लिए जगह चाहिए। अरे मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जंगल में एक आम के दरख्त पर मेरा एक आम का बड़ा घर पड़ा हुआ है, वो खाली है, तुम उसमें जाकर रह सकती हो। अभी जब तक मीनू चिड़िया तुम मेरे ही घर में रहो, जब तक तुम अपना दूसरा घर नहीं बना लेती हो। ठीक है महाराज, आप सही कह रहे हैं। अब मैं आपके ही घर में रहूंगी जब तक मैं अपना घर नहीं बना लेती। बस फिर अब वे मीनू चिड़िया तोते महाराज के आम के घर में रहने लगती है। जब ये बात उस कालू कौवे को पता लगती है तो वे कालू कौवा सोचने लगता है, और मैं तो समझा था कि मैंने इस मीनू चिड़िया का घर तोड़कर इससे बदला ले लिया है, लेकिन इस मीनू चिड़िया को तो तोते महाराज ने रहने के लिए एक नया घर दे दिया है। ये मीनू चिड़िया का नसीब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पता नहीं कहां से इस जंगल में ये तोते महाराज का घर खाली पड़ा था। अगर ये घर ना होता तो आज मेरा बदला पूरा हो जाता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे अभी भी इस मीनू चिड़िया की उस बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। बस फिर तभी अचानक ही उस जंगल में बारिश भी बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज चलने लग जाती हैं। बस उस तेज हवा के चलने के कारण उस कालू कौवे का घर भी गिरकर टूट जाता है। अब कालू कौवे और उसके बेटे राजू कौवे के पास रहने की कोई भी जगह नहीं होती है, और अब तो जंगल में बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अरे पिताजी, ये सब क्या हो गया है? अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई रहने की जगह भी नहीं है। अरे बेटा, पता नहीं ये अचानक से इतनी तेज तूफानी बारिश कहाँ से आ गई है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ रहेंगे। मेरे पास तो बस यही एक घर था, अब मेरे पास और कोई भी घर नहीं है। उस मीनू चिड़िया का घर टूट गया था, लेकिन उसे तो तोते महाराज ने एक नया घर दे दिया है। लेकिन अब तो जंगल में और कोई घर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? अब हम लोग कहाँ पर रहेंगे? बस अब कालू कौवे का घर टूट जाने के बाद कालू कौवा सोच रहा होता है, अरे जो मैंने उस मीनू चिड़िया के साथ करना चाहा था, अब तो वे मेरे ही साथ हो गया है। ये सब मुझे मेरी ही गलती की सजा मिली है। अब देखो, वह मीनू चिड़िया तो अपने घर में मजे से रह रही है और मैं बेघर हो गया हूँ। मेरा बेटा भी बारिश में भीग रहा है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बस फिर इसी तरह अब उस कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, क्योंकि उसे अब सजा मिल चुकी होती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, वरना वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है जैसा कि कालू कौवे के साथ हुआ था।